ए लाइट बीम एमिनेटिंग फ्रॉम द पॉइंट थ्री कॉमा टेन रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन टू एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो एंड देन पासिस थ्रू द पॉइंट बी सेवन कॉमा टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड बीम ठीक है सो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड बीम का हम लोगों को इक्वेशन निकालना है कि इक्वेशन क्या होगा ठीक है सो देखिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं सो लेट दिस इज द इंसिडेंट रे मान लेते हैं कि इंसिडेंट रे है एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे ठीक है दिस इज द लाइन मिरर जिस लाइन मिरर का इक्वेशन हम लोग देख सकते हैं 2x एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो है ठीक so, है सो ये इंसिडेंट बीम है इंसिडेंट बीम क्या हो रहा है इस लाइन मिरर पे इंसिडेंट हुआ देन इस लाइन मिरर से इस पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट हुआ रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में चला गया ठीक है सो हम लोगों को इसका इक्वेशन इसका इक्वेशन निकाल निकालना है बट गिवेन है कि इट इज एमिनेटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट थ्री कॉमा टेन ठीक है ना यहां से ये आ रहा है लेट से दिस पॉइंट इज ए ठीक है एंड बी इज सेवन कॉमा टू अब देखिए यहां पर एक हिडन क्लू है जो आप लोग को पता करना होगा ये पॉइंट थ्री कॉमा टेन और बी सेवन कॉमा टू ठीक है इन दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब इस लाइन पे प्लॉट कीजिएगा लाइन मिरर पे तो दोनों सेम होगा ठीक है दैट मींस ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों ही इस लाइन मिरर से इक्वी डिस्टेंस है डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ठीक है दोनों सेम है कैसे चेक कीजिए इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस निकालिए सो so, इस डिस्टेंस को जब कैलकुलेट करेंगे लेट से दिस इज एन दिस इज एम ठीक है तो यह एन का वैल्यू जो होगा डैट इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स है इसमें एक्स और वाई का वैल्यू पुट कीजिए ठीक है सो एक्स का वैल्यू पुट कीजिएगा सो थ्री इंटू टू ये कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा प्लस y का वैल्यू टेन है माइनस टेन डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स था कॉफिशेंट का स्क्वायर सो टू का स्क्वायर फोर होगा और y का कॉफिसेंट वन है सो इसका स्क्वायर वन होगा सो दिस इज इक्वल टू टेन बाई रूट फाइव ठीक है है ना ये an का वैल्यू है सिमिलरली अगर bn का bm का वैल्यू निकाले हम लोग सो ये हो जाएगा आपका सेवन पुट कीजिए जगह उस जगह पर फोर्टीन प्लस टू माइनस सिक्स डिवाइड बाई अगेन रूट ओवर फोर प्लस वन डैट इज इक्वल टू टेन बाई रूट फाइव सो दोनों वैल्यू देखिए सेम है डैट मीन्स ए एन इक्वल टू बी एम अब इसी क्लू से क्या होगा ये क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व होगा ठीक है सो ए एन जब बी एम के बराबर हो गया डैट मीन्स क्या है कि दोनों पॉइंट इस लाइन मिरर से इक्वी डिस्टेंस है सो so, जब नॉर्मल हम लोग इस पर प्लॉट करेंगे इस लाइन मिरर पर ठीक है ये नॉर्मल सो so डैट जो एंगल ऑफ इंसीडेंस है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो लेट से इट इज ठीठा दिस इज ऑल्सो ठीठा ठीक है दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सो ये नॉर्मल हम लोग बना दिए ठीक है so, सो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा जो लाइन आप ज्वाइन कीजिएगा इस तरह से सो so इन दोनों का मिड पॉइंट इस पर लाई करेगा क्यों करेगा दोनों इक्वी डिस्टेंस है फर्दर ये नॉर्मल क्या है मेकिंग सेम एंगल विथ दिस एंग दिस लाइन एंड दिस लाइन रिफ्लेक्टेड और इंसीडेंट रे ठीक रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रे दोनों से ये नॉर्मल क्या हो रहा है सेम एंगल बना रहा है सो दैट मीन्स ये पॉइंट क्या होगा इसको और इसका मिड पॉइंट है सो इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए कैसे निकाल सकते हैं सेवन एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू सेवन प्लस थ्री बाई टू कितना हो गया टेन बाई टू डैट दिस इज फाइव कॉमा टेन प्लस टू सो सिक्स इस पॉइंट का कॉर्डिनेट हो गया फाइव कॉमा ठीक है अब क्या करना है स्लोप निकालिए किसका इस लाइन मिरर का स्लोप निकालिए सो लाइन मिरर का स्लोप कितना हो जाएगा डैट इज इक्वल टू माइनस कॉफिशियंट ऑफ एक्स टू डिवाइड बाई कॉफिशियट ऑफ वाई वन सो डैट इज माइनस टू ये इसका स्लोप है स्लोप कैसे निकालते हैं कोई भी लाइन अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इवन है सो so, इसका स्लोप होता है निगेटिव माइनस कॉफिशियंट ऑफ ए डिवाइड बाई कॉफिशेंट ऑफ बी माइनस ए बाई बी ठीक है, तो है। तो ये याद रखना है सो इसका स्लोप निकाल लिए सो ये नॉर्मल क्या है इस पर परपेंडिकुलर है ना ये परपेंडिकुलर है नाइन्टी डिग्री है सो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा अगर ये माइनस टू है सो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मीन्स स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल ठीक है नॉर्मल लाइन टू दिस मिरर ये कितना हो जाएगा वन बाई टू सो डैट इन दोनों का प्रोडक्ट ये आपका माइनस वन के बराबर होगा ठीक है ना एम वन इंटू एम टू क्या होता है दो लाइन का स्लोप अगर आपस में परपेंडिकुलर है सो ये माइनस वन के बराबर होता है अगर इसका स्लोप एम वन मानिए इसका एम टू मानिए दोनों का प्रोडक्ट माइनस वन so, सो इसका माइनस टू है तो ये वन बाई टू होगा सो so, देखिए इस नॉर्मल का हम लोगों को क्या पता चल गया स्लोप पता चल गया वन बाय टू और ये पास कर रहा है फाइव फॉर्मर सिक्स से तो इस नॉर्मल का इक्वेशन निकालिए देन इस नॉर्मल को इस लाइन से सॉल्व कीजिए इस पॉइंट को निकाल लीजिए ठीक है सो so, इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मैं कैलकुलेट करता हूँ ठीक है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन क्योंकि पॉइंट से पास कर रहा है एक्स वन वाई वन और इस लाइन का स्लोप वन बाई टू है सो so, इस फॉर्मूला को हम लोग यूज कर लेंगे सो वाई माइनस सिक्स इक्वल टू वन बाई टू एक्स माइनस फाइव ये हो जाएगा ठीक है ना सो so, इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए सो इट इज टू वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू एक्स माइनस फाइव ये हो जाएगा ठीक है so, सो इसको अरेंज करते हैं सो एक्स माइनस टू वाई एक्स माइनस टू आई प्लस सेवन इक्वल टू जीरो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया मीन्स हमारे पास इस नॉर्मल लाइन का इक्वेशन हमारे पास बन गया एक्स माइनस टू वाई प्लस सेवन इक्वल टू जीरो और इस लाइन मिरर का ऑलरेडी हमारे पास गिवन है टू एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो ठीक है सो इन दोनों को सॉल्व करके ना इसको और इसको सॉल्व करके इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कैलकुलेट कर लो लेट से दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इसको जी मान लेते हैं ठीक so, है सो पॉइंट जी निकालिए सो इसके लिए हम लोग इसको इसको सॉल्व करेंगे सो देखिए टू एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो और यहाँ पर है एक्स माइनस टू वाई प्लस सेवन इक्वल टू जीरो ठीक है सो ऊपर वाले में क्या करिए टू से मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए सो वाई कैंसिल हो जाएगा सो so, ये हो जाएगा टू टू इंटू टू फोर एक्स और ये एक्स फाइव एक्स हो गया देन माइनस ट्वेल्व प्लस सेवन इक्वल टू जीरो सो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालिए सो so, यहाँ से फाइव एक्स हो जाएगा फाइव के बराबर सो so, एक्स का वैल्यू आ जाएगा वन ठीक है ना एक्स हमारे पास वन आ गया इस पॉइंट का एक्स कॉर्डिनेट वन हो गया सो so, एक्स कॉर्डिनेट जब हम लोगों ने निकाल लिया तो वाई को निकालते हैं सो वाई की क्या हो जाएगा इस, इसको यूज कर लीजिए y इक्वल टू सिक्स माइनस टू एक्स ठीक है सो सिक्स माइनस टू सो डैट इज फोर हो जाएगा सो so इसका y कोऑर्डिनेट फोर हो जाएगा डैट मींस ये जो पॉइंट है g इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा वन कॉम फोर ठीक है सो अब अगर हम लोग को इंसिडेंट रे का इक्वेशन निकालना है सो so दो पॉइंट पता है सो so इसका स्लोप निकल जाएगा ठीक है और इस पॉइंट से पास कर रहा है हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं सो इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे ठीक है इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे ठीक है निकालते हैं सो देखिए इसको मान लीजिए एक्स वन वाई वन एक्स वन वाई वन और इस वाले को मान लीजिए एक्स टू वाई टू ठीक है ना एक्स वन वाई वन नीचे वाले को और इसको एक्स टू वाई टू मान लीजिए ठीक है सो इक्वेशन हम लोग यूज कर लेंगे वाई माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन देन एक्स माइनस एक्स वन ठीक है ये स्टेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा जहाँ पर कि ये जो आप देख रहे हो ये क्या है स्लोप है ठीक है ठीक है so, सो अब निकालते हैं वाई माइनस फोर इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन दैट मीन्स टेन माइनस फोर डिवाइड बाई थ्री माइनस वन और यहाँ ब्रैकेट में एक्स माइनस वन ठीक है ना सो so, इसको सॉल्व करते हैं सॉल्व करेंगे वाई माइनस फोर इक्वल टू देखिए सिक्स बाई टू तो सिक्स बाई टू कितना हो जाएगा दैट इज थ्री ब्रैकेट में एक्स माइनस वन सो ये हो जाएगा वाई माइनस फोर इक्वल टू थ्री एक्स माइनस थ्री सो इसको रीअरेंज कर लेते हैं सो थ्री एक्स माइनस वाई ठीक है देन प्लस वन इक्वल टू जीरो ये आपका इंसिडेंट रे हो जाएगा ठीक है अब रिफ्लेक्टेड रे पे आते हैं सो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन निकालते हैं ठीक है सो रिफ्लेक्टेड रे के लिए सेम यहाँ पर स्लोप चेंज हो जाएगा बाकी ये दोनों सेम रहेगा सो वाई माइनस फोर इक्वल टू सेवन माइनस सॉरी टू माइनस फोर ठीक है ना ये वैल्यू इसको एक्स टू वाई टू मान लीजिए सो वाई टू माइनस वाई वन टू माइनस फोर ठीक है टू माइनस फोर डिवाइड बाई सेवन माइनस वन एंड ब्रैकेट में एक्स माइनस वन ठीक है सो इसको सॉल्व करिए वाई माइनस फोर इक्वल टू कितना हो जा रहा -2 by 6, x minus 1, है माइनस टू बाई सिक्स एक्स माइनस वन ठीक है सो दैट इज वाई माइनस फोर इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री एक्स माइनस वन सो थ्री से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए थ्री वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन देन ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री वाई ठीक है माइनस थर्टीन इक्वल टू जीरो ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा ठीक है ना सो so, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड सो देखिए अगर इसमें आपको ये नहीं पता चलता है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट इस लाइन से इक्वी डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों का सेम है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है ठीक है ना सो so, इस क्लू को भी इस तरह के क्लू को भी चेक किया कीजिए ठीक है कि इसमें क्या ट्रिक छिपा है ठीक है